नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा विषयोग के बारे में। काफ़ी चर्चित विषय है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि लोग जानते भी हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ बुरा योग है या समथिंग काइंड ऑफ लोगों के दिमाग में होता है ये, बिकॉज को विषयोग कहा जाता है। तो विषयोग ऐसे ऐसे भी पॉइजन को दर्शाता है, तो लोगों को पता होता है कुछ ना कुछ इसमें नेगेटिविटी है। तो आज इसी के ऊपर बात करूंगा दोस्तों कि ये विषयोग है क्या, काम कैसे करता है, दो एनर्जीज है इसमें शनि और एक चंद्र, इनका ये कैसे अपना काम करती हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या फेसबुक पे विजिट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली शेयर करता हूँ मैं, जो कि शायद आपको अच्छे लगेंगे। और एक चीज़, जो भी लोग अदर सब्जेक्ट्स से लाइक मैरिज लाइफ, फॉरेन ट्रेवल कब होगा, फॉरेन सेटलमेंट कब होगी, और मैरिज लाइफ कैसा होगा, या फिर मैरिज का टाइम पीरियड कैसे निकालें, या फिर राहु को चार्ट में कैसे देखें, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, परिवर्तन राजयोग, और भी धन को कैसे देखें, प्रॉपर्टी को कैसे देखें, इन सब विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी सारे दोस्तों आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में कैटेगरी वाइज रखे हुए, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपका समय नहीं वेस्ट करूँगा, बात करता हूँ विषयोग के बारे में। विषयोग में दोस्तों दो एनर्जीज इन्वॉल्व है, एक शनि की एनर्जी है, दूसरी मून की एनर्जी है। अब ये दोनों एनर्जी टोटली डिफरेंट है। अब ये विष बनता कैसे है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इसे विषयोग पूर्वजों ने, ऋषियों ने क्यों कहा, इसका पीछे कारण क्या है, वो भी मैं आज बात करूंगा। और ये कब ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा इसको आपको सीरियसली लेना है, कब आपको समझना है कि ज़्यादा आपको चार्ट में काम नहीं करेगा, इसके बारे में भी बात करूँगा। एक तरफ दोस्तों चंद्रमा है, जैसे कि मैंने स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियो में बताया कि चंद्रमा का स्वभाव कैसा है। चंद्रमा दोस्तों मन है। मन क्या, मन स्वच्छंद है, आज़ादी चाहता है, भोग विलास चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है, ये मन की चाहत है, मून की चाहत है। जैसे मैंने कहा है उस वीडियो में भी कि चंद्रमा के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बताया है, अगर आप वो देखेंगे वीडियो तो समझ में आएगा। तो चंद्रमा जो है वो भोगी स्वभाव के हैं, चंद्र देवता जो थे वो भोगी स्वभाव के थे, भोग विलास से उनका काफ़ी गहरा नाता था। जैसे कि आपको पता ही होगा 27 पत्नियां बीवी होने के बावजूद भी तारा के साथ उनका संबंध रहा है। उसके बाद जो रामायण में कहानी आती है, जिसको श्री राम जी, जो अहिल्या थी, जिनको जो पत्थल बन गई थी, उनको श्री राम जी ने तारा था, तो उनके पीछे भी अगर आप वो कहानी देखेंगे तो उसमें इंद्र के बारे में बताया गया है, और उसमें भी छल की कहानी आपको समझ में आएगी। तो ऐसे कई जगह पे आपको चंद्र देवता का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। गणपति जी की कहानी जिसपे चतुर्थी जो मनाई जाती है उस पर भी आपको मिलेगा कि वहाँ पे भी किस तरह से गणपति जी के ऊपर कमेंट किया था चंद्रमा जी ने, रिद्धि सिद्धि के ऊपर उनको श्राप दे दिया था गणेश जी ने। तो काफ़ी सारे आपको कहानियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आएंगे। तो ये इन शॉर्ट दिखाता है कि चंद्रमा जो है वो सुख चाहता है, एक तरह से संपन्नता चाहता है, भोग विलास चाहता है, प्रेम चाहता है, नरिशमेंट चाहता है, इन सब चीज़ों के। कारक, चंद्रमा माँ का कारक है, दूध का कारक है, जेमस्टोन का कारक है, चंद्रमा नरिशमेंट का कारक है, जहाँ पे आप नरिशमेंट ले रहे हो या दे रहे हो लाइफ में, वो चंद्रमा है। चंद्रमा आपका मन का डिटर्मिनेशन पावर, आपकी संकल्प शक्ति, क्योंकि मन आपका अगर स्थिर नहीं होगा तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड है, चंद्रमा आपका वो दिमाग है जो हर वक्त चालू रहता है, याद रखिए, सबसे ताकतवर माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। एक जो पूरा दिन हम जो माइंड लगाते रहते हैं यहाँ वहाँ काम करने, वो तो एक मर्कुरी है आपका, जो कि 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे के बाद थक जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं थकता। वो अपनी गोल की तरफ आपको धीरे 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 लेके जाता रहता है। अगर कहते हैं ना कि किसी ने अगर ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो वो उसे उसकी जो मेहनत होती है 10 साल 5 साल 20 साल के बाद भी वो उसे पाता है, वो डिटर्मिनेशन होती है मन के अंदर। तो मन कितना पावरफुल है, आपकी मन कितना स्ट्रांग है, स्थिर दिमाग का इंसान, स्थिर मन का इंसान जिसे कहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की ये ताकत होती है। मैंने इसलिए कई वीडियो में बताया है दोस्तों कि चंद्रमा, बुध, शुक्र, इनसे ज़्यादा खतरनाक, इनसे ज़्यादा गलत काम कराना या अच्छा काम कराने की ताकत किसी और प्लैनेट में नहीं है। बाकी हम दोष किसी को भी दे सकते हैं, राहु को दें, शनि को दें, मंगल को दें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
बट एक्चुअली ये डे टू डे लाइफ में रोज आप इनका यूज करते हो, एक सबकॉन्शियस माइंड आपका मून मर्कुरी यानी कि आपका इंटेलेक्ट और वीनस अट्रैक्शन, कहाँ किस तरफ आकर्षित हो रहे हो जीवन में, किस तरफ जा रहे हो, वो जो ये तीनों है ना ये पूरा पूरी लाइफ आपको नचाते हैं। तो ये बहुत पावरफुल प्लैनेट है आपको बता दो। तो एक चंद्रमा की एनर्जी है जो कि सुखों के लिए पागल है कि सुख मिल जाए कहीं से। तो विषयोग में एक तरह से चंद्रमा इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे शनि। शनि क्या है दोस्तों? शनि वैराग्य है, अकेलापन है, अंधकार है। जहां चंद्रमा लाइट है तो वहीं शनि शनि अंधकार को दर्शाते हैं। जहां चंद्रमा जो है तेज है, गतिमान है, मन जैसे आपको पता ना मन बहुत गति से सोचता है, बहुत मन क्या आपका फटाफट, कभी इस बारे में सोचेगा कभी उधर कभी इधर, तो मन की गति कहते हैं सबसे तेज गति मानी जाती है, यानी कि लाइट से भी ज्यादा तेज गति मानी गई है मन की। और ऐसे भी देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में एक राशि क्रॉस कर देती है। और चंद्रमा और शनि में एक चीज की समानता है, ये जो 2.5 दिन है वैसे ही शनि 2.5 वर्ष यानी 2.5 ईयर्स में एक राशि पार करते हैं। तो 2.5 इसका जो अंक का एक से खासियत है, जो दोनों तरफ आप देख रहे हो, शनि के पास भी सेम आता है और चंद्रमा के पास भी, 2.5 दिन उनको लगता है, यहाँ 2.5 वर्ष शनि को लगता है, दोनों 2.5 से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो शनि जो है वैराग्य दर्शा रहा है, शनि अंधकार दर्शा रहा है, शनि बाउंड्रीज को दर्शाता है, यानी कि शनि एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है जो लाइफ की सच्चाई, लाइफ का ट्रूथ आपके सामने रख देता है। आपके दोष यानी कि क्या आपके अंदर दोष है, व्हाट इज नेगेटिव इन यू, ये जो चीजें हैं ये शैतान आपके सामने खड़ा कर देता है लाइफ में हमेशा, कि कहाँ तुम गलत हो इसका एहसास दिलाता है। और हम ये होता है ना, हम शनि से भागते हैं, एक्चुअली हम सच से भागते हैं सच कहूँ तो, क्योंकि शनि जीवन का सच है। आपको बता दो, सच वही होता है जो हम स्वीकार नहीं करना चाहते, अक्सर अक्सर जो हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं वो सच होता है, वही शनि है। शनि का काम ही है कि जीवन की सत्यता से आपका सामना करा दे, जीवन की प्रैक्टिकलिटी से आपका सामना करा दे। ये जो आप इमोशनल और सो कॉल्ड बोलते हैं ना कि एक दुनिया में हम जो जी रहे होते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कि दोस्त काम आएगा, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बीवी मेरे बारे में सोचती है, तो सब मेरे वजह से चल रहे हैं, या फिर वो मैं उनके वजह से चल रहा हूँ, एक कनेक्शन जो रहता है, तो एक कभी ना कभी लाइफ में ऐसा आता है मूड की बना, शनि शनि उसको ब्रेक कर देता है। तो शनि उसी का नाम है जो जीवन की व्यर्थता को, जो बोलते हैं ना जीवन की सच्चाई आपके सामने रख देता है, कि जो मैं अभी तक तुम जो सोच रहे थे, जिस माया की दुनिया में जो जी रहे हो, वो सब व्यर्थ है, पूरी तरह से जो फैक्ट आपके सामने रख देता है वो सैटर्न है। तो सैटर्न जो है वो प्रैक्टिकलिटी, बाउंड्रीज, इन सब चीजों को दर्शाता है। सैटर्न लत को भी दर्शाता है, लत कंटिन्यूटी, लत लग जाती है ना, जैसे कि कोई शराब पी रहा है तो उसको शराब पीने की लत लग गई। तो लत क्या होती है, आप एक कर्म कई बार करना शुरू कर देते हो, शनि कर्म का कारक होता है, सबसे बड़ा कारक शनि माना जाता है कर्क का, आप जो भी कर्म करते हो उसके जो मालिक है वो शनि देवता है। तो लत जो लगती है आपको, आपकी शनि की एक ऐसी राशि है जो कंटिन्यू आती है, मकर कुंभ साथ में आती है, तो ये भी दिखाता है कंटिन्यूटी जो है वो शनि की एक खासियत है, वो कंटिन्यू कराते हैं जो कराते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, शनि लत है, शनि जो कच्ची शराब होती है शनि उसको भी कहा जाता है। शनि इन सारी चीजों से, शनि जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, हैंडीकैप, लेबर, हर एक तरह से सर्वेंट, इन सबको शनि दर्शाता है। वहीं चंद्रमा रानी है, चंद्रमा जैसे मैंने कहा सुखों को दर्शाता है, प्रेम, इन सारी चीजों को दर्शाता है। अब ये दोनों एनर्जी जब साथ में आती है तो विषयोग बनता है। अब आपने देखा दोनों एकदम एंटी है, एक 2.5 दिन में पार कर रहा है तो दूसरा 2.5 साल में पार कर रहा है एक राशि को। एक जो है वो लाइट है तो एक डार्कनेस है, एक मन है जो सुख चाहता है, सिर्फ सुखों की तरफ देख रहा है, शनि है प्रैक्टिकलिटी, वैराग्य, अकेलापन, इसके लिए सैडनेस, लोनीनेस, ये सारा चीज सैटर्न देता है, सैटर्न इन सब चीजों को दर्शाता है। कंप्लीटली एंटी अगर देखेंगे, चंद्रमा इमोशनल साइड है, शनि प्रैक्टिकल साइड है लाइफ का, हार्ड हार्ड लाइफ जिसे कहते हैं, जीवन का सत्य है शनि। चंद्रमा जो है वो एक बोलते ना एक जो प्यारी दुनिया चल रही है, चंद्रमा उसको दर्शा रहा है। तो जब इनका मिलन होता है तो एक भयंकर युद्ध होता है, समझ लो। इमोशन इसमें जीतता कौन है आपको बता दो, इसमें दो जीतता कोई नहीं है, इसमें जिस भाव में ये बनता है, विश्व की खासियत है समझ ली, जिस भाव में बनता है ना वो भाव आपके लिए विष के समान हो जाता है। मान लीजिए अगर
सप्तम भाव में आपका विषयोग बना हुआ है, तो आपको मैरिज से, पार्टनरशिप से कभी लाभ नहीं मिल सकता, कभी ना आपसे उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं लाइफ में मिलेगा, आपकी शादी भी होगी, लेकिन वो सुख जो है ना, मैरिड लाइफ का सुख आपको नहीं मिलने देगा। ऐसा भी नहीं कि शादी टूटने देगा, वो भी नहीं, कभी कभी टूटने भी नहीं देगा, क्योंकि शनि जो ना तोड़ता नहीं जल्दी, शनि ना घसीटता है, शनि की आदत है, शनि तानता है, शनि रोज मुठभेड़ कराएगा लेकिन अलग नहीं कराएगा। वहीं अगर सूर्य है, मंगल है, तो वो अलग करा देते हैं, राहु है तो अलग करा देगा, चीटिंग करा देगा, ऐसा वगैरह करा, लेकिन शनि ना ऐसा नहीं करता। शनि अगर होगा ना सप्तम भाव में, तो वो रिलेशन तोड़ेगा नहीं, बट रिलेशन को ऐसा बना देगा ना कि मतलब वो बोलते हैं ना कि बस धक्का मार के गाड़ी चल रही है, बस ऐसा ऐसा जीवन, मतलब उधर ना लाइफ का फैक्ट जैसे मैंने कहा ना, वो दिखा देता है कि कोई किसी का काम नहीं आता, तुम ही तुम्हारे काम आओगे। एक्चुअली सच यही है लाइफ का। तो सैटर्न जब मून के साथ आता है, तो मून जो है इंसान का जो मन है, जो उड़ना चाहता है, अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है काफी सारी चीजों को, तो ये जो चीजें ना इस पे सब पे ये रोक लगा देते हैं शनि देवता। अब यहाँ पे ऐसा जो इंसान होता है ना, मैं इनसे कहता हूँ, मेरा एक आग्रह रहता है कि इन्हें कोई नशे के चक्कर में नहीं, बिकॉज इनको लत बहुत जल्दी लगेगी, किसी लत को करेंगे ना तो उसमें लत में पड़ जाएंगे बहुत जल्दी ये। इनको बहुत बार ना जीवन में जो शनि चंद्र का योग होता है ना, इनको कई बार जीवन में ऐसा लगेगा ना कि चलो सब छोड़ देते हैं, बोलते ना कि अपने आप में मतलब अकेले रहने लगेंगे, इनको अकेला अच्छा, अकेलापन भी अच्छा लगेगा, इनको अंधेरा भी अच्छा लगेगा, तो ऐसी कहीं ना कहीं इनको चीजें अच्छी लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो इनको बीच में कभी कभी बीच में ऐसी फीलिंग आए कि मैं अकेला ही अच्छा हूँ, बाकी दुनिया सब, इनको बोलते ना ऐसे ऐसे, वो बोलते ना कि स्पिरिचुअल टाइप के थॉट्स आने लगेंगे एकदम कि मैं हट, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस पर भी वो स्टैंड नहीं रह पाते, क्योंकि उसके लिए भी डिटर्मिनेशन पावर चाहिए ना, जो कि मून से आएगी, और मून यहाँ पे सक्षम है नहीं, मून पे तो बाउंड्री लगा रहा है वो, तो डिटर्मिनेशन पावर खराब हो जाती है। और शनि से जो कर्म है, कर्म के डिटर्मिनेशन पावर और कर्म, कोई सी काम को करने के लिए आपकी डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, दोनों खराब हो जाते हैं, आपके काम भी खराब हो रहे हैं, डिटर्मिनेशन पावर भी खराब हो रही है। अब मन जैसे मैंने कहा, और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उस इच्छाओं को खुलने नहीं देता शनि, बाहर नहीं आने देता है, शेयर नहीं करने देता, अकेला घुटन जो होता है ना, घुटन जो होती है इंसान के अंदर, उसी को कहते हैं ना डिप्रेशन आ गया, उस फला फला बच्चे ने कुछ कर लिया, फला फला एक्टर ने कुछ कर लिया, डिप्रेशन में आके कर लिया, ऐसी जो चीजें हम सुनते हैं, इसका कारण क्या होता है कि वो अंदर से घुट रहे थे, वो घुटन क्या है, वही जहर है, इसके लिए से विष कहा गया। यानी कि कोई चीज एक ही, जैसे कि दूध, आपको पता होगा दूध, दूध का एक समय होता है, चंद्रमा दूध का कारक है, और आपको पता है कि दूध अगर यूज होता रहे, जैसे कि गर्म किया, यूज किया, आपने कंटिन्यू यूज कर रहे, तो वो चलता है, लेकिन अगर आपने इसको यूज नहीं किया, एक दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा दूध खराब हो जाता है, दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है, फिर दूध का दूध 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 जो है दूध नहीं रह जाता एक तरह से। तो वही है चंद्रमा का हालत, यहाँ पे वही होता है, शनि के साथ जब वो आता है, जो उसका जो मन का जो यूज होना चाहिए, जिस तरह से खुल के वो बाहर आना चाहता है, वो आ नहीं पाता है। इंसान इंसान थोड़ा, इंसान के अंदर आपको शनि चंद्र जिसके युति होगी, और याद रखिए ये युति 7 डिग्री से कम हो तभी काम करती है, और एक ही नक्षत्र में हो तब ज्यादा ये काम करते हैं, याद रखिए। डिग्री देखिएगा, शनि और चंद्रमा के बीच में 7 डिग्री से ज्यादा का फर्क ना हो, 7 डिग्री के लगभग अगर ये क्लोज है, तब ये जो योग है बहुत तरीके से काम करता है, अदरवाइज आपको ये बहुत सारे चार्ट में काम करता नहीं दिखेगा। अगर 15 डिग्री या 18 डिग्री का फर्क है, तो ये योग उतना काम नहीं करता है, आपको बता। तो 15 डिग्री के ऊपर का अगर गैप है शनि चंद्र में, वो आप काम नहीं करेगा। तो यही याद रखिएगा कि जब शनि चंद्र जब ये मिलेंगे, ये आपका मन का जो इमोशनल साइड है, आपको इमोशनल हर्ट्स लाइफ में बहुत झेलने पड़ेंगे, और जिस भाव में होगा उस भाव से रिलेटेड जो सुख है ना, वो जहर के समान हो जाएंगे। जहर के समान यानी कि सामने तो है लेकिन उसको भोग नहीं सकते आप। जैसे मैंने सप्तम भाव का एग्जाम्पल दिया, दशम भाव में बन जाए, जॉब मिलेगी तो, लेकिन जॉब से वो कभी जिंदगी में आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, आप कभी नहीं कहोगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे सुखी हूँ, या फिर बहुत मजा आ रहा है काम करना, आप कभी नहीं कहोगे। 10th हाउस में अगर विषयोग बन जाए, सिमिलरली जिस भी भाव में बनता है, 2nd हाउस में बन जाए, तो फैमिली से पैसे को लेके दुखी रहेगा इंसान, रहेगा सामने रहेगा भी ना, तो उसका सुख नहीं भोग पाएगा, जहर के समान रहेगा, याद रखिए। वो भाव खराब हो जाता है सबसे पहले तो। और कुछ विशेष चीजें जैसे ना इमोशनल हर्ट, इनको काफी झेलना पड़ता है लाइफ में, बहुत बार मैंने देखा है स्टडी इनकी खराब होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टडी के लिए आपकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक
अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, सबसे पहले तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन पावर होनी चाहिए कि मैं इतने टाइम इतना वक्त स्टडी को दूंगा। तो अक्सर इनका मन यहाँ वहाँ भागता है, फिर बाद में पछताते भी हैं, लेकिन बाद में पछता के क्या फ़ायदा है। यहाँ वहाँ इनका मन भागता है और गलत जगह पे भागता है, इनको पता भी है लेकिन ये रोक नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने कहा लत में ना पड़े कभी भी, नशा वगैरह ना करें तो बहुत अच्छा होता है। शनि चंद्र के लिए नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ना जब भी आपको थोड़ा सा भी डिप्रेशन आएगा आप तुरंत उसकी तरफ भागोगे, ऐसा होगा। तो वो डिप्रेशन आता ही इसलिए है क्योंकि आप बेसिकली आपकी डिटर्मिनेशन पावर जो है वो खो गई है कहीं ना कहीं, आपकी जो आपका जो मन की ताकत है वो कहीं ना कहीं खो चुकी है इसके लिए। तो इसीलिए विषयोग है क्योंकि ये अकेलापन देती है, आपका जो नेगेटिव है आपके सामने लाके खड़ा कर देती है। ये सब काम अगर आप देखोगे ना, ये आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रहा है। ये सारा चीज़ क्या है, यानी कि आप कुछ करना चाहते हो, आपके मन के बीच में जैसे कि छोटा सा बच्चा है, वो खेलना चाहता है कूदना चाहता है, दिन भर उसको एकदम डांट के रखोगे, ए चल इधर बैठ, खेलने का नहीं। कुछ कुछ घरों में होता है ना, बच्चों पे बहुत शासन लगाते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली रखते हैं। आप देखो उन घर के बच्चे ना आगे जाके ना मतलब पब्लिक मासेस में जाके बोल नहीं सकते, भीड़ देख के घबरा जाएंगे वो। तो वो उनके अंदर एक बोलते ना एक अनजाना सा फियर आ जाता है। वो चीज़ें आप देखोगे, वो अपने आप को वो खुद खुल के दुनिया के सामने खुल के रख नहीं पाते, उनकी जो एक्सप्रेशन प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपने आप को खुल के रख नहीं पा दुनिया के सामने नहीं रख पाते। जो वो हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो प्रॉपरली ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में उनको दिक्कत आती है। ये शनि चंद्र कराते हैं। और एक चीज, शनि चंद्र योग, शनि शनि चंद्र साथ में बैठे हैं, और अगर मंगल ने साथ बैठा हुआ है वहां पे, या मंगल दृष्टि दे रहा है चंद्र को और चंद्र भी मंगल को दृष्टि दे रहा है, दोनों एक दूसरे को, मंगल और चंद्र एक दूसरे को भी युति दे रहे हैं, ऐसा जब योग होता है तो कहीं ना डिप्रेशन वगैरह ये ज्यादा देर तक नहीं होता उस पर्सन को। मैक्सिमम 1 दिन 1.5 दिन होगा बट वो आउट हो जाएगा, निकल जाएगा उसमें से। अगर मंगल की दृष्टि चंद्र पे है तो, चाहे वो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, चाहे वो चंद्रमा का आई मीन चौथा एस्पेक्ट हो या आठवां एस्पेक्ट हो, आठवां ना हो तो अच्छा हो, चौथा हो या सातवां एस्पेक्ट हो अगर चंद्रमा पे और विष योग बना हुआ हो, तो स्टिल उस बंदे को डिप्रेशन की इतनी कोई खास इशू आएगी नहीं लाइफ में। क्योंकि चंद्र जो है, मैंने आपको बताया है चंद्र मंगल योग, मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है, चंद्र जो है वो मंगल के साथ जब होता है, मंगल की दृष्टि जब चंद्र पे होती है तो मन को बल मिलता है, यानी कि जो आपका मन है उसको बल मिलता है, चंद्रमा को बल मिलता है, ताकत मिलता है मंगल से। बिकॉज मंगल जो है पावर को दिखाता है, ताकत को दर्शाता है, एनर्जी को दर्शाता है, तो मन को एनर्जी देता है, तो वो उतना बोलते ना वो डिप्रेशिव साइड में जाता तो है लेकिन रिटर्न आ जाता है एटलीस्ट। लेकिन अगर मंगल की दृष्टि नहीं है या जुपिटर की दृष्टि नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन सीरियसली काफ़ी ट्रबल देता है इंसान को लाइफ में। वो किस दिशा में जा रहा है, वो उसका विजन कहाँ है, वो कहाँ जाने वाला है, उससे आप पूछोगे ना नहीं बता पाएगा बंदा। मैं आपको बता रहा हूँ, विश शनि चंद्र अगर तगड़ा योग है अगर किसी की कुंडली में, पहले तो जिस भाव में, वो भाव के बारे में बात कर लीजिएगा, उसे पूछेगा उस भाव से रिलेटेड सुख उसे नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड चीजें उसके पास भी होंगी ना तो भी उससे वो सुखी नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। दूसरी ये चीजें होती है कि शनि चंद्र, जैसे मैंने कहा कि जिस भाव में, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद उसके जीवन में ना मतलब वो क्यों कर रहा है ये चीज, कहाँ उसे चाहता क्या है लाइफ में, इसके आंसर्स ना उसके लिए थोड़े मुश्किल होते हैं हमेशा। थोड़ा सा बोलते हैं ना एमलेस लाइफ, एक कहा गया है ना कि इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि एक इंसान है जो घोड़े पे बैठा हुआ है और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आंखों से उसे दिख नहीं रहा, घोड़ा जहाँ लेके जा रहा है बस वो जा रहा है, उसे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ रुकना है। तो ये होती है चंद्र और शनि के साथ बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि मन है भागना चाह रहा है, खुल के भाग नहीं पा रहा है, शनि की बाइंडेशन है उसके ऊपर। और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं ना कि दोनों एनर्जी एक दूसरे से ना गलत तरीके से, दोनों एनर्जी ही डिफरेंट है ऑब्वियसली, मैंने जैसे आपको समझाया, तो ये जब दोनों आपस में टकराती है तो इसका जो इम्पैक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा ही आता है। एजुकेशन, इमोशनल इश्यूज, यानी कि प्यार में धोखा खाना, ऐसी चीजें आपको देखने मिलेंगी इसमें ज्यादा। एजुकेशन, जैसे मैंने कहा एजुकेशन काफ़ी बार मैंने देखा है कि खराब हो जाता है अगर विश्व तगड़ा हो तो, यानी कि एजुकेशन, या तो बंदा जो है जब वो पढ़ाई कर रहा होगा तो उसका वो टाइम बहुत बोलते ना कि थोड़ा सा हार्डशिप से गुजरा होगा, ये भी मैंने देखा है। अगर विश्व है चार्ट में तो वो पढ़ाई कर रहा हो, जिस मान लीजिए किसी के 9th हाउस में है तो बेसिकली जब वो हायर स्टडीज के लिए जाएगा, PhD मास्टर्स के लिए जाएगा, थोड़ा
वो टाइम पीरियड ना बहुत कष्टकारी होगा, या तो उसका पीएचडी या मास्टर कभी जिंदगी में हो नहीं पाएगा, अगर हो जाएगा तो भी उससे उसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, उससे वो खुश नहीं होगा कभी भी। तो ये होता है विषयोग बनने का, एक्चुअली कैसे ये काम करता है, जिस भाव में बनता है वो देखिए। डिग्री 7 डिग्री से कम हो, एक ही नक्षत्र में हो तो ज़्यादा काम करता है ये। और इसके लाइफ में हर तरफ इफेक्ट आते हैं, लेकिन जिस भाव में बैठता है वहाँ पे मेजर इफेक्ट आता है, जैसे मैंने बताया आपको। ये आपके इमोशनल, आपका पढ़ाई, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट करता है। और जैसे मैंने कहा, एमलेस जर्नी लाइफ की, ये कहीं ना कहीं वो भी दिखाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अच्छे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।